नमस्कार दोस्तों, जेपी बाकर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार शर्मा आज आपके लिए करंट अफेयर 9 अगस्त 2018 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ट्राई अपने मोबाइल ऐप DND 2.0 और माई कॉल को किस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा ना चाहता है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है, यहाँ ऑप्शन ए है उमंग, ऑप्शन बी है समर्थ, ऑप्शन सी है उजाला और डी ऑप्शन है वो है पतंजलि का। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ट्राई की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर वो क्या है? उमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी भारत नेपाल संबंध में बैठक कहाँ संपन्न की गई है? तो ऑप्शन ए कोलकाता, बी ऑप्शन चेन्नई, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। हम बात करें अगर ऑप्शन ए की, कलकत्ता तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहां की सीएम है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और वहां का सबसे बड़ी सिटी भी है। और दिल्ली, नई दिल्ली भारत की राजधानी, आप सब लोग वाकिफ हैं इसी से। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। किस पार्टी से संबंधित है? आप पार्टी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। तीसरा क्वेश्चन वो है, गोवा पर्यटन विभाग ने किस मोबाइल ऐप के साथ टैक्सी सेवा शुरू की है? देखिए, सबसे पहले हम गोवा के बारे में जानते हैं कि कुछ स्टैटिक बातें इसके बारे में। गोवा, गोवा की राजधानी कौन सी है? पणजी। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर। आपको पता होना चाहिए मनोहर पारिकर हमारे सेंट्रल मिनिस्टर थे रक्षा मंत्री के रूप में, ठीक है, और वो भारतीय जनता पार्टी से है। और तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, जो टैक्सी का नाम, उसका नाम क्या है? गोवा माइल्स, ठीक है, गोवा माइल्स यहाँ सही आंसर है। किस पेमेंट गेटवे ने रिलायंस मनी के तहत तात्कालीन के लिए रणनीति साझेदारी की है? ऑप्शन यहाँ पेयू, ऑप्शन बी सेसी एवेन्यू, ऑप्शन सी जियो मनी और ऑप्शन डी पेटीएम। देखिए, पेमेंट गेटवे के बारे में मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बहुत सारी वेबसाइट पे आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी भी चीज के नीचे, जैसे आप अमेजन की बात करते हैं, फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, तो वहां किसी प्रोडक्ट के नीचे क्या लिखा होता है? रेट लिखी होती है। हम वहां क्या करते हैं? पेमेंट हमारे एटीएम और डेबिट कार्ड, पेटीएम कार्ड से क्या करते हैं? पे करते हैं। और अकाउंट में जो हमारा पैसा था वो कट के कंपनी जो अमेजन या फ्लिपकार्ट के है वहां क्या हो जाता है? चला जाता है। तो वो किसके द्वारा होता है? वो पेमेंट गेटवे के द्वारा हमें फैसिलिटी मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पेयू के साथ क्या है? साझेदारी की है, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, UIIC के निदेशक और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए यहाँ है एस गोपा कुमार, ऑप्शन बी है संजय कुमार, ऑप्शन सी है विपिन गुप्ता और ऑप्शन डी है अश्विन चौधरी। ए UIIC किस फुल फॉर्म हम देखते हैं तो क्या है? यूनाइटेड इंश्योरेंस इंडिया कॉरपोरेशन, ठीक है। और इसके जो सही आंसर क्या होगा? एस गोपा कुमार। देखिए, नियुक्ति का क्वेश्चन आपको जरूर, आपको एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो प्लीज आप इन क्वेश्चनों को इग्नोर ना करें, आप इनको अलग नोट डाउन कर ले नोटबुक में, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारियो गोमाज किस खेल से संबंधित है? ये है फुटबॉल से संबंधित है। और हम बात करते हैं क्रिकेट की, अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया, सॉरी हम बात कर रहे हैं फुटबॉल, तो जो ये जर्मनी के मोरिया गोमेज हैं उन्होंने भी संन्यास ले लिया है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 78 अंतर्राष्ट्रीय जो खेल फुटबॉल मैच खेले थे उनमें 31 गोल किए थे, ठीक है, 31। और इन्होंने 2008 में जर्मनी को क्या किया था? ज्वाइन किया था, ठीक है। और देखिए, मैं बात करता हूँ पूर्व वेरियर मुनियर स्टार की, ने 2010 और 2018 में क्या किया था? फीफा वर्ल्ड कप में क्या किया था? 2008 और 2012 में यूरो कप में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। इन्होंने मतलब, देखिए फुटबॉल के हम बात करते हैं, फुटबॉल में अलग अलग तरह की चीजें यहाँ देखी जाती है कि वो किस मतलब देश के साथ खेल रहे हैं, कौन से वो क्लब के साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने दो क्लब में खेला था, यूरो क्लब और पूर्व वेनियर मुनियर स्टार के रूप में। और ये जर्मनी के हैं, ये स्ट्राइकर हैं, स्ट्राइकर होते हैं जो फुटबॉल में उसकी भूमिका ही निभाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्गीय एम करुणानिधि जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं? तो देखिए, यहाँ ऑप्शन ए आता है तमिलनाडु, ऑप्शन यहाँ बी आता है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी यहाँ है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी क्या है यहाँ बिहार। मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ, इसका सही आंसर है तमिलनाडु, ठीक है।
देखिए तमिलनाडु की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, यहाँ की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो क्या है, चेन्नई, जिसका पहले पूर्व नाम क्या था, मद्रास जिसको बोलते थे हम लोग, चेन्नई बाद में उसका नाम बदल के चेन्नई कर दिया गया है। हम बात करते हैं तमिलनाडु की, कितने डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, 32। देखिए स्टैटिक चीजें आपको इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इसकी करेंसी क्या थी, वहाँ की गवर्नर कौन है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, कितने डिस्ट्रिक्ट है, कौन से वहाँ जल अभ्यारण्य या विद्युत संयंत्र वहाँ उपयोगी हैं, तो आपको इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। हम बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में और गवर्नर के बारे में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एडप्पा के पल्लीस्वामी, ठीक है, वो AAIADMK एडिम के पार्टी के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और हम गवर्नर की बात करते हैं तो बर्निवाल पुरोहित वहां के क्या हैं, गवर्नर हैं, ठीक है। और यहाँ 32 स्टेट्स हैं। आप जब नेक्स्ट टाइम हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज राज्यसभा के उपराष्ट्रपति के लिए होने वाले चुनाव के लिए कौन कौन आमने सामने है। ऑप्शन ए यहाँ है हरिप्रसाद हरिवंश, बी ऑप्शन हरिवंश और सचिन पायलट, ऑप्शन सी हरिप्रसाद व पेजी कुरियन और ऑप्शन डी हरिवंश व पेजी कुरियन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हरिप्रसाद व हरिवंश। देखिए जो हरिप्रसाद है वो कांग्रेस के हैं और हरिवंश किस पार्टी से संबंधित है, भाजपा से। इनका अगर हम बात करते हैं राज्यसभा के उपसभापति की, तो देखिए राज्यसभा के उपसभापति तो होगा जो इन दोनों में से क्या करेगा, इलेक्शन को जो चुनाव में जीत जाएगा। इससे पहले कौन था, इससे पहले थे पीजे कुरियन, ठीक है, इससे पहले पीजे कुरियन था। इनका जून 2018 में क्या हो गया है, कार्यकाल समाप्त हो गया है। और हम बात करते हैं राज्यसभा के सभापति की, तो कौन होता है राज्यसभा का सभापति, वो होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के इज ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इंडेक्स में 73 अंकों की छलांग के साथ भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 26, ठीक है। देखिए जो भारत ने 2014 में कितने नंबर पे था, 99वें स्थान पे था, मतलब कितने नंबर पे, 99वें स्थान पे। लेकिन 2014 में भारत ने बिजली की कमी को 4% करके कितना परसेंट ला दिया है, 19%, मतलब पहले कितनी थी, 23% थी, जिसको अब कितना कर दिया है, 19% कर दिया है, जिससे कितने अंकों को छलांग मिला है, 73 अंकों का। हम बात करते हैं विश्व बैंक की, तो सबसे पहले मैं आपको, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, विश्व बैंक का मुख्यालय है आप बताइए, मैंने आपको पहले भी यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसका है वाशिंगटन DC। और किसका है, अगर आप IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं तो उसका मुख्यालय भी कहाँ है, वाशिंगटन DC में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन हेनरी सेट ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो देखिए पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है हेती, ऑप्शन सी है युगांडा और ऑप्शन डी क्या है, नेपाल। तो उसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा हेती, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप लाइक बटन जरूर दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।